हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आ गया एक फिर से एक नया वीडियो के साथ, जो कि 15 अगस्त के लिए सिंपल सा फोटो एडिटिंग कैसे करने का है, वो फोटोशॉप में कैसे करने का वो दिखाऊंगा आपको लैपटॉप स्क्रीन पर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये फोटो मैंने कैसे एडिट किया है आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको फोटोशॉप ओपन कर लेना है, देन फाइल में जाके आपको ओपन करना है। कोई भी एक फ़ोटो ले लीजिए आपका मनपसंद। मैंने एक फ़ोटो चूज़ किया है, इसको मैं एडिट करने वाला हूँ। देन इसको मैं कट करने वाला हूँ फ़ोटो को। तो फोटो को कट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्विक सिलेक्शन, क्योंकि यूजी है। आप पेन टूल्स भी यूज़ करके बैकग्राउंड कट कर सकते हो। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए। हो गया मेरा फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया मैंने। देन मैं आके जाए यहाँ पर नीचे जाके लेयर मास्क को क्लिक किया। देन क्रॉप में जाके इसको मैं थोड़ा लंबा करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ये उसका बैकग्राउंड यूज़ करेगा मैं अभी। ओके, अभी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया मैंने। फ़ोटो को कंट्रोल टी दबा के सेलेक्ट किया है। उसके बाद शिफ्ट क्लिक करते ही आपको फ़ोटो को ड्रैग करना है। छोटा अगर छोटा चाहिए तो, बड़ा चाहिए तो, जो भी कर सकते हो, बट शिफ्ट पकड़ के करने का, नहीं तो आपका फ़ोटो थोड़ा उधर उधर हो सकता है। ओके, मैं मिडिल पे रख रहा हूँ। ओके, देन अभी मैं एक फ़ोटो को मैं ब्लैक एंड व्हाइट करने वाला हूँ। उसके लिए मैं इमेज में जाके एडजस्टमेंट्स, देन ब्लैक एंड व्हाइट, इसको थोड़ा कलर करेक्शन करेगा मैं। Okay. अभी एक न्यू लेयर ले रहा हूँ। आप जब भी न्यू लेयर लेते हो उसका ऊपर नाम लिख दीजिए, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो मैं इसे उसका ऊपर नाम लिख रहा हूँ, बैकग्राउंड। ओके, जब भी कुछ भी नया लेयर्स यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप नाम लिख दीजिए। अभी मैं बैकग्राउंड को कलर कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर। इसके लिए मैं कलर में जाके कलर लिया। ओके, इसको मैं ओके, ये आ गया मेरा फोटो। अभी मैं इरेजर यूज़ करके मैं कट करने वाला हूँ फ़ोटो को, जो साइड में जो भी है। और एक टूल ले रहा मैं। We chase the leading us, and love is all we'll ever trust.
ओके मैं अरेंज कर लिया अभी। सेंटर पे रखूँ इसको। ओके डन। अभी और एक नया लेयर ले रहा हूँ। नया लेयर, उसमें लिखूंगा मैं कलर, क्योंकि कलर ऐड करने वाला हूं मैं। कलर ओके। मैं ब्रश टूल यूज कर रहा हूँ। मैं बालों को ऑरेंज करना चाह रहा हूँ तो ऑरेंज कलर लूंगा मैं, थोड़ा सा लाइट ऑरेंज। आपको यहाँ पे यहाँ पे नॉर्मल जाके यहाँ पे आपको स्क्रीन करना है। ओके नेक्स्ट और एक लेयर यूज करने वाला हूँ। इसमें लिखूंगा मैं ग्रीन, क्योंकि मेरा शर्ट को मैं ग्रीन कलर ला लूंगा मैं। इसमें लिखूंगा ग्रीन। जब भी कुछ भी लेयर लेते हो तो उस लेयर का नाम लिख दीजिए, क्योंकि कंफ्यूज नहीं हो जाए। सॉरी, नॉर्मल में जाके फिर से स्क्रीन। ओके पूरे शर्ट को मैं ड्रा कर रहा हूँ मैं। प्लीज गाइस, आप अगर कोई नया देख रहे हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। प्लीज सपोर्ट माय चैनल। अगर कुछ भी मैं गलती कर रहा हूँ प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि मैं हर कोई इंसान बिना गलती के कुछ सही नहीं करता है। अगर कुछ मैं गलती करता हूँ तो मैं उसको करेक्ट करने के लिए मैं ट्राई करूँगा ज़रूर। अभी एक PNG ऐड करने वाला हूँ, उसके लिए फाइल में जाकर ओपन कर रहा हूँ। ये वाला PNG यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये PNG आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसमें से जाके डाउनलोड कर सकते हो। फोटो लेके इसको ड्रैग कर रहा हूँ मैं। ओके डन। यही था मेरा सिंपल सा वीडियो। आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ भूलना मत कि सब्सक्राइब, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको मैं सेव करता हूँ मैं JPG फाइल में। ओके दुगा की अगस्त 15।
सेव कर दूंगा मैं। ओके ओके डन हो गया गाइस, ये मेरा था सिंपल सा फोटो एडिटिंग।